बाय बी टू। तो जब वेन लाइट रे पासिंग थ्रू गोइंग टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट बैंड एंड द स्पीड इज चेंज। बात करेंगे कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। हमने अब तक पढ़ लिया है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, बट आज हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है। हमने अभी अभी लॉ टू में ये पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है। दिस गिव्स कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो वन म्यू टू होगा, जिसमें वन जो होगा लाइट रे ऑफ मीडियम वन दैट इज पासिंग थ्रू लाइट रे विद मीडियम टू। अब इन दोनों की स्पीड भी इक्वल होगी क्योंकि दो मीडियम में बदला जा रहा है, इसीलिए हमने वी वन अपॉन वी टू लिखा। अब कॉज ये है कि जब हम मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट को पास करेंगे तो जो लाइट की स्पीड होगी वो चेंज होगी, इसीलिए जो वी वन होगा वो वी टू के इक्वल नहीं होगा क्योंकि स्पीड जो है वो लाइट की चेंज हो जाएगी। इसी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा, इसी वजह से लाइट को बेंड होना पड़ेगा, दैट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड हर्षित, यस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी टू, जो कि हम ड्राइव के यहां से इज ऑलवेज इक्वल टू वी1 अपॉन वी2। इतनी जोर से मत मार यार उसमें, धीरे धीरे। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 एंड वी2 इज द स्पीड ऑफ लाइट वी2 टू, और अकॉर्डिंग टू so light when ठीक है जी, वेरी गुड। हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि हमें पता है हाइजेंस के प्रिंसिपल के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू वन म्यू टू, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और वी वन अपॉन वी टू मतलब वी वन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और वी टू मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। हमें पता है जो इनका रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज होने के बाद उसका एंगल भी चेंज हो जाता है, इसीलिए लाइट बैंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यही कॉज होता है रिफ्लेक्शन। वेरी गुड।